मंडली परिवार में शमशेर पहलवान तीन नंबर पठान पर राष्ट्रीय रविंद्र मिश्रा पहलवान कुश्ती के समय 5 मिनट फैसला अखाड़े के बीच में। चलिए प्रदीप पहलवान रोटीपुर की तरफ से दंगल में आए हुए पहलवानों को दूध प्रणाम देने के लिए अच्छा साजोहार चुका है। हमारे बीच में जो क्षेत्र का माना जाना विद्यालय है चांदनी पब्लिक स्कूल, उस विद्यालय के प्रबंधक महोदय का सुंदर आगमन हो चुका है शेरपुर की धरती पर। दंगल कमेटी की तरफ से स्वागत अभिनंदन। जियो शेर ए विकास भैया, इसके बाद दंगल की आखिरी और बड़ी कुश्ती है कि आज यह समापन किससे करवाएंगे। समापन जिन्होंने उद्घाटन किया वही समापन करेंगे। और हरिंदर भैया हम आज चैंपियन माला पहनाएंगे राष्ट्रीय चैंपियन विकास राय पहलवान को, ज्ञानेंद्र पहलवान को, दीपक पहलवान को। चलिए आज देसी घी का लड्डू है, हल्दा का मिक्सिंग नहीं है। भारत खोल थाना के क्रांतिकारी सो साहब मंच के पास आ जाए, दंगल कमेटी आपका स्वागत करने के लिए बेकरार है। बड़ी सुंदर प्रस्तुत चल रही है, शेरपुर का पहलवान बहुत भारी है, डीएलडब्ल्यू का पहलवान दाव लगा तो दे रहा लेकिन उठा नहीं पा रहा है, कह रहा है बाप रे बाप। ऐसे पहलवान अगर एक परिवार में 5 पहलवान पैदा हो जाए मोदी जी कितनों फ्री में राशन देते हैं, राशन कम पड़ जाएगा, सब पहलवान खा जाएगा। लेकिन बार बार पहलवान 5 मिनट समय दिया गया था, 2.5 मिनट बीता, 2.5 मिनट रह गया। राष्ट्रीय स्तर के पहलवान से तुम 2.5 मिनट से लोहा ले रहे हो, ये कहीं से कम नहीं है। चलो हासन मनमर ये आप लोगों का सम्मान बचाए खातिर पिछवा भगत है। वीरों की धरती शहीदों का जमाना था कि शेरपुर में कम से कम 100 राष्ट्रीय पहलवान होते थे, उसके बाद वो जमाना खत्म हुआ। बाबू विकास राय पहलवान ने इस तकरीब को संभाला। इसके बाद साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा, नमन जय घोष यूट्यूब चैनल के साथियों। आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और गाजीपुर के शहीदी धरती शेरपुर खुर्द में उपस्थित हुआ हूं। यहां पर आज अखिल भारतीय विराट कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और यह प्रतियोगिता अष्ट शहीदों के श्रद्धांजलि में समर्पित थी। विगत 3 अगस्त 1942 को जो यहाँ पर सीपूजन राय के नेतृत्व में 8 शहीदों को शहीदी प्राप्त हुई थी, उन्हीं की श्रद्धांजलि में प्रत्येक वर्ष इस धरती पर, इस गाँव में, यहाँ के जो राष्ट्रीय फलक पर अपना स्थान बनाने वाले भाई विकास राय जी हैं, जो पहलवान हैं, वे उनकी श्रद्धांजलि में प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को अखिल भारतीय विराट कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। आप सामने बैठे हुए हैं, सबसे पहले आप परिचय दे दें। जी नमस्कार, हम विकास राय पहलवान ग्राम शेरपुर के रहने वाले हैं
और हम 3 बार जिला केसरी का खिताब जीत चुके हैं और ये दंगल अष्ट शहीदों की यादगार में होता है जो आज 1972 से ही ये दंगल चल रहा है, 1952 से ही ये दंगल चल रहा है जो लगातार अब तक कभी बंद नहीं हुआ, हर साल 19 अगस्त को ये होता है। विकास बाबू, ये जो कार्यक्रम हो रहा है पहले तो 18 अगस्त को ही होता था, लेकिन 19 को क्यों हो गया? ऐसा है कि 18 अगस्त को शहीद दिवस मनाया जाता है जी जी, और शहीद दिवस के उपलक्ष्य में शहीद पूजा और इसका बड़ा आयोजन होता था, तो कुश्ती और दंगल दोनों एक ही दिन मोहम्मदाबाद और यहाँ पे हो जाता था, तो थोड़ा जनता को डिस्टर्ब होता था जी जी, तो इसलिए इस दंगल के आयोजन को 19 तारीख कर दिया गया, एक दिन बाद एक दिन बढ़ा दिया गया। अच्छा बताएं कि ये जो कार्यक्रम है इतनी बड़े महायज्ञ के बराबर एक कार्यक्रम है, कैसे आप इसको मैनेज कर पाते हैं? क्या देखिए, ऐसा है कि हमारी समिति है जी, हमारा अखाड़ा चलता है जिसके हम उस्ताद हैं, हमारे देखिए पहलवान ज्ञानेंद्र राय पहलवान जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन रहे, अच्छा, और बगल में दीपक राय पहलवान जो कुमार का खिताब जीते, चिंटू राय पहलवान अपने वजन के राष्ट्रीय चैंपियन पहलवान रहे, हम 11 लोगों की एक समिति है जी जी, जो हम लोग मिल करके जिसके हम अध्यक्ष हैं, अच्छा, और ये आयोजन हम लोग कराते हैं जिसमें पूरे गांव क्षेत्र के लोग मिलकर के सहयोग करके इस दंगल आयोजन को सफल बनाते हैं, और ये दंगल हम लोग जनता को जगाने के लिए करते हैं, हमारी जो नई पीढ़ी है ये नशाखोरी की तरफ बढ़ रही है जी जी, आज के नौजवान नशा में लिप्त हैं जी हाँ, या मोबाइल से सटे रहते जी, हैं जी, जी, ऐसे माहौल में आप कैसे उनको बचा पाते हैं अपने शिष्यों को? हम अखाड़ा चलाते हैं, हमारे अखाड़े के हमारे अंदर के लगभग 62-63 पहलवान सरकारी नौकरी पाए, अच्छा, और आज नौकरी में है, और हम भी स्पोर्ट कोटा से आरटी सेंटर नासिक आर्मी में भर्ती हुए थे लेकिन रिजाइन दे दिए। ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा है कि देखिए जवानी जब आवे ले तो अगल बगल ऊंच नीच कुछ चिन्ह लेना, अच्छा अच्छा, और घड़ी जवानी का रंग रहा, यहाँ बड़ी जमींदारी थी, सैकड़ों बीघा की खेती है, यहाँ के सबसे बड़े जमींदार के लड़के और सैकड़ों मजदूर काम करते थे, अभी उस समय दिमाग में नहीं आ रहा था कि नहीं नौकरी किया जाए। बताइए, मंगला पहलवान की ये धरती है, मंगला पहलवान की कॉपी आप लोग बना पाए हैं कि नहीं? नहीं, मंगला राय पहलवान जो योगा मुसाहिब के रहने वाले थे, हिंद केसरी रहे जी, और हम लोग उनको अपना श्रेष्ठ मानते हैं जी जी जी, आदर्श मानते हैं, और उनको आदर्श मान करके ही हम लोग हमारे जिले के पहलवान हमारे क्षेत्र के पहलवान पहलवानी करते हैं जी जी जी। कुश्ती करने से क्या क्या लाभ होता है? कुश्ती करने से तमाम लाभ है, केवल लाभ ही है ये है जी हाँ, बलवान होगा लड़का, बुद्धिमान होगा, चरित्रवान होगा जी जी जी। हमारे बीच बहुत अच्छे कमेंटेटर कहे या दर्शक कहे भैया का थोड़ा सा परिचय हो, आप बहुत अच्छा कमेंट कर रहे थे और बहुत अच्छा ट्रीट भी कर रहे थे पहलवानों को, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम पवन सिंह है, मैं बगल के जनपद मऊ का कुश्ती संघ का अध्यक्ष हूँ, अच्छा अच्छा, और सौभाग्य से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, बड़े भाइयों के आशीर्वाद से हमको दंगल संचालन करने का काम मिलता है जी जी, और जहाँ तक होता है मैं लोगों को जगाने का काम करता हूँ। आप अपनी मतलब संचालन के दौरान ही सारी बातें कह जाते हैं जी, और उत्तेजित भी कर देते हैं, उनको एक्साइट भी कर देते हैं, ये कला आपने कब से सीखी, कहाँ से सीखी है? देखिए हमारे बगल में बैठे हैं वसीम टाइगर गुरु, जरा इनके तरफ दिखाइए, अच्छा, ये लोग हम लोगों के गार्जियन हैं और हम लोग के विधायक के पुरनिया एक तरह से कहिए जी जी, इन्हीं लोगों से हम लोग सीखे हैं। कम से कम आज जिस तरह बोलने वाले, गाने वाले, नाचने वाले, ये बॉलीवुड वाले और भोजपुरी वुड वाले समाज में गंदी गंदी बातों को प्रस्तुत करते हैं जी जी, हम लोग को सौभाग्य कि हम लोग एक आध घंटा दो घंटा जो भी समय कमेटी देती है अच्छी बातें जनता को। आप बता रहे थे असली हीरो कौन है? असली हीरो पहलवान है, अच्छा, खेती करने वाले किसान है, सीमा पर जो नौजवान है वो असली हीरो है, अच्छा अच्छा, असली हीरो थोड़ा है कि रील पर नकली बंदूक लेके गोली चला रहे हैं, अच्छा, आए गोली हमारे पहलवानों के साथ चलाए। आप परिचय दे दें, इधर बेटा इधर आ जाइए, इधर सबका। नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र राय पहलवान शेरपुर। पहलवान तो जिला लेवल या स्टेट लेवल या इंडिया राष्ट्रीय स्तर का कुश्ती खिलाड़ी रहा हूं। कब थे? 2010-12। अभी फिलहाल करते क्या है? अभी तो अपना गांव पे रहते हैं, गांव में ही। अरे क्या खासियत है कि यहां लोग जो है स्पोर्ट कोटे से भर्ती होना चाहिए, सर्विस करना चाहिए, स्पोर्ट को जारी रखना चाहिए, लेकिन यहां लोग घर पर गृहस्थी में लगे हुए हैं।
कुछ तो दुर्भाग्य कहिए, कुछ चोट कहिए, कुछ समय कहिए, बाकी भैया बड़े भैया आपके उसके बारे में बता ही चुके हैं, तो फिर दोबारा रिपीट करना अच्छा नहीं है। देखिए देशभक्ति ही है, कुश्ती जो है देशभक्ति है, बिल्कुल, और कुश्ती हमारे कल्चर से संबंधित है, हमारी जो है संस्कृति से सभ्यता से जुड़ी हुई है, बिल्कुल। और अगर एक किसान है, एक नौजवान है या गृहस्थ जीवन जीने वाला जो व्यक्ति होता है, बहुत बड़ा देशभक्त होता है, तो निश्चित रूप से आप लोग एक देशभक्ति की भूमिका निभा रहे हैं और सबसे बड़ा परोपकार का ये कार्य कर रहे हैं कि लोगों को एक्साइट कर रहे हैं और उनको कुश्ती के प्रति जो है जगा रहे हैं। कुश्ती आज विलुप्त होने के कगार पे है, लेकिन फिर भी आप जैसे लोग हैं जो बच्चों को जगा करके कुश्ती की विधा को अंतर्राष्ट्रीय फलक तक ले जा रहे हैं, ये अपने आप में आपको लोगों को धन्यवाद देने लायक है। देखिए मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, कुश्ती लड़ने के बहुत फायदे होते हैं, जैसे हमारे बड़े भैया बताते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो आप कुश्ती लड़ेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, बलवान होंगे, अच्छा भोजन करेंगे, इससे आपका मस्तिष्क भी अच्छा काम करेगा। तो मैं दो लाइन कहूंगा कि दूध पिए, कुश्ती लड़ो, नित्य जपो हरि नाम, मेहनत से कार्य करो, पूरेंगे सब काम। बहुत अच्छा आपने सूत्रवाक बोल दिया, बच्चों को और नौजवानों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि दूध पीजिए और कुश्ती लड़िए। हमारे बीच एक बहुत बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति हैं, अभी ये जो उस्ताद, इनका नाम हम पूछते हैं, आपका परिचय। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा नाम है वसीम पहलवान जी जी, मोहम्मदाबाद कोतवाली में अखाड़ा चलता है, पुलिस व्यायामशाला है जी जी, और गाजीपुर में विश्व स्तर के पहलवान रहे। अच्छा, आपका जो ट्रेनिंग जहाँ देते हैं उसका क्या नाम है? पुलिस व्यायामशाला कोतवाली मोहम्मदाबाद। अच्छा, पुलिस व्यायामशाला कोतवाली थाने के अंदर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ हरि नारायण राय एक पहलवान थे जी, गामा विश्व विजयी गामा भी जी जी, जो दुनिया में पटकाने नहीं थे। हाँ। वो भी हाथ जोड़ के चले गए। अच्छा, आप क्या? हाँ, यहाँ से जी, बाबू मंगला राय जितने बड़े पहलवान थे, राज नारायण राय पहलवान गामा के भाई इमाम बख्श को झरिया में पटके जी जी, और यहाँ विश्व जितने बड़े बड़े यहाँ पहलवान थे जी जी, उतने आज विश्व चैंपियन भी नहीं। अच्छा, ये जो नाम गिना रहे थे उनसे आपकी कुश्ती हुई थी क्या? नहीं नहीं नहीं, वो ये पुराने पहलवान। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि आपके अखाड़े से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नेशनल या इंटरनेशनल? हाँ, हाँ, नाम बहुत, बता सकते हैं? 87 लड़के सर्विस में हैं, ये विकास राय भी मेरे ही अखाड़े के हैं, वो भी थे, उसके बाद रविंदर मिश्रा के लोग बनारस चले गए जी जी, हुआ जोर करते करते वो भी बैंक की नौकरी छोड़े हैं। अच्छा, जो लंबे वाले राय साहब। हाँ, हाँ, हाँ। इन लोगों के पास 100-150 बीघा घर घर की जमीन है, जमींदार लोग हैं, जमींदार लोग हैं, जो बैंक की नौकरी छोड़े, वो आर्मी की नौकरी छोड़े जी जी, पुलिस की नौकरी हम छोड़े, मतलब इतनी दिलचस्पी इनकी बड़ी कुश्ती में कि सब कुछ छोड़ दिए नौकरी को जो है। एक लड़का है जी, बड़ा जी, वो इस वक्त थाना इंचार्ज है प्रतापगढ़। अच्छा अच्छा, स्पोर्ट्स कोटे से? स्पोर्ट्स कोटे से। अच्छा अच्छा, एक इंचार्ज है, वो एडिशनल एसपी तक होगा, पढ़ाई पूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद मेरा छोटा बच्चा है जी, गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा है, वो हर साल आता था, इस साल नहीं आया। अच्छा अच्छा, सलमान नाम है उसका जी 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 जी। मतलब आपके परिवार में जो भी बच्चे हैं सब कुश्ती में ही जुड़े हुए हैं? दो ही लड़के हमारे। अच्छा अच्छा, बस आपके पिताजी भी तो, और ये ज्ञानंदर राय जो थे जी जी, ये बैंक की नौकरी छोड़े हैं। अच्छा, ये लोग 150-200 बीघा के जमींदार दस्तकार हैं लोग, तो ये लोग अकेले घर के पड़ गए, तो खेती करेगा कौन जी जी जी। अब ये पहलवान सन्यासी हो जाता है क्या? पहलवान सन्यासी, क्योंकि यहाँ के लोगों का हम देख रहे हैं कि सब पहलवान के बच्चे कम होते हैं जी। मेरी 78 साल उम्र चल रही है। हाँ, दो बच्चे हैं। हाँ, पहलवानों के बच्चे कम क्यों होते हैं? क्या उनका जो उतना ही मतलब रखते हैं जितना रखना चाहिए? अच्छा अच्छा, एक तपस्वी का जीवन जीते हैं। एक तपस्वी का जीवन है, एक नारी ब्रह्मचारी जी जी, एक नारी है। हाँ, संबंध से उतना ही रखिए जी, कि जो अपने भी ठीक रहें और हमारे बच्चे भी तंदुरुस्त बलवान पैदा हों जी जी जी। 16-18 साल की उम्र में जो बच्चे की शादी होती है जी, उसके लड़के छोटे होंगे जी, अच्छा कमजोर होंगे जी जी, बीवी भी कमजोर होगी,
और 30 साल की जिसकी उम्र है जी, वो बच्चा पैदा होगा तो पहलवान पैदा। तो क्या पहलवान जो है 30 के करीब में ही करते हैं क्या शादी? 30 साल 35 साल गामा की उम्र, 52 साल की उम्र में शादी होती। अच्छा, तब यही के लालजी पहलवान थे? लालजी पहलवान के 2-3 लड़के हैं, ज्यादा नहीं। अब मंगला पहलवान के? हाँ, मंगला पहलवान के, मंगला राय के 2 लड़के। अच्छा, पहलवान अच्छे जो रहे उनके बच्चे कम रहेंगे, मगर वो पढ़ा भी लेगा, लड़ा भी लेगा, खर्चा भी मेंटेन कर लेगा। अगर 12 पैदे हो जाएंगे जी जी, तो कोनो पाकेट मार, कोनो चोर, कोनो आवारा, जी जी जी, ऊपर किसको किसको संभालेगा, मतलब देर आए दुरुस्त आए, पहलवानों की मानसिकता ये होती है। अभी आपने बहुत ही क्या से अनुभव की बात बताई कि पहलवान के बच्चे कमजोर नहीं होते हैं, कम उम्र में शादी नहीं होती है, और होते भी हैं तो बहुत सीमित संख्या में होते हैं। इसी के साथ साथियों, आप वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।